हाय फ्रेंड्स, मैं श्री सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट क्लास में आज मैं ट्रेड प्रैक्टिकल वेल्डर लेकर के आया हूँ। वेल्डर के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल में चैप्टर 1 से मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या इसमें आपको मैं आज बताऊँगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मेजरिंग एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में आज मैं बताऊँगा, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या मेजर करना है, मेजरिंग कितने प्रकार से करते हैं और उसके लिए कौन कौन सा टूल्स लेते हैं तो उसकी ज़रूरत होगी। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाता ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा जो है वीडियो लेकर के आ सकें जो आपके लिए उपयोगी हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ITI वेल्डर प्रैक्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है वर्कशॉप में प्रयुक्त सामान, हाथ औजार, उपकरण एवं मशीनें, बेसिक हैंड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स ऑफ वर्कशॉप। इसमें से जो पहला हमारा है, जो नापने वाले औजार जिसे हम मेजरिंग टूल्स कहते हैं ए, वो मेरा है स्टील रूल। तो आपको हम स्टील फुट रूल के बारे में सबसे पहले बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये है हमारा स्टील रूल, इसे हम स्टेनलेस स्टील रूल कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स के नाम से भी जानते हैं, या दो सिस्टम में आपका उपलब्ध होता है। आप जो ग्रेडेशन देख पा रहे हैं ऊपर देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं mm मिलीमीटर में, और नीचे जो है आपको इंच में दिए गए हैं। तो ऊपर जो मिलीमीटर में है वो मीट्रिक सिस्टम में है, और नीचे जो ग्रेडेशन दिए हुए हैं वो हमारा ब्रिटिश सिस्टम में दिया हुआ है। तो दो सिस्टम में जो है आपका इसमें ग्रेडेशन, मतलब आपका निशान, यूँ कहिए कि आपका जो माप है वो दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आगे जो आपको जानकारी लेना है कि जो माप दिए गए हैं ये दोनों का लिस्ट काउंट कितना होता है, और बाज़ार में आपको कितने साइज के स्टील रूल उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, आप मेट्रिक सिस्टम में जो स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कम से कम आप जो इससे माप ले सकते हैं वो आप 1/2.5 mm ले सकते हैं, जिसे आप 0.5 mm हो जाए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये इंच में लेते हैं तो इंच में आप कम से कम जो माप ले सकते हैं वो हमारा इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 1/64 in होता है, 1/64 in। तो इंच में जो आप लीजिएगा वो आपका 1/64 in होता है। अब है परीक्षा में पूछा आपसे जाएगा कि स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है वो ब्रिटिश सिस्टम में कितना होगा और मीट्रिक सिस्टम में कितना होगा। तो वहाँ पे आपको बता देने हैं कि ब्रिटिश सिस्टम में आपका 1/64 in होता है, और मीट्रिक सिस्टम में 1/2 mm या फिर 0.5 mm कहते हैं। अब आप ग्रेडेशन जो देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम में तो इसका मतलब एक इंच को 8 बराबर भागों में भागा जाता है, 1/8, इसको हम एक सूत के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1/16 in होता है, 1/32 in होता है, और लास्ट में जो हमारा होता है 1/64 in, इससे हम एक चूल के नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला जो है हम देखते हैं। अगला आप देख पा रहे हैं ये हमारा, इसे हम मेजरिंग टेप के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग जो है लंबी दूरी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए किया जाता है। ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है। यह आपको मार्केट में जो उपलब्ध होते हैं 5 in से 10 in 50 in, मतलब इतने जो है इस इत्यादि और भी जो है आपको साइज में मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अब इसके ऊपर भी देखिएगा तो दोनों सिस्टम में जो है आपका मेजर किया हुआ रहता है, ग्रेडेशन किया हुआ रहता है, ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम में। कभी भी आप इस टेप को लेकर के कोई भी बाहर से मार्केट से या कोई जो है
अगर टेक्नीशियन हो तो उनके पास जा कर के आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रेशन है वो दोनों सिस्टम में दिया हुआ है। तो मतलब आपका मीट्रिक सिस्टम जो हमारा वो मिलीमीटर में और हमारा जो ब्रिटिश सिस्टम है वो इंच में दिया रहता है। अब जैसे फुट बोलते हैं वहाँ पे, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, तो 12 इंच जैसे ही होगा वहाँ पे उसके बाद वो आपका 1 फुट कहलाता है। तो इसका इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आपको मेजरिंग करने में दिक्कत हो तो आप वहाँ पे वो मेरा वीडियो देख करके मेजर करना सीख सकते हैं कि कैसे हम माप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये पिक्चर है हमारा कैलिपर्स का। यहाँ पे आप जो है 3 तरह के देख पा रहे हैं, लेकिन 2 जो है देख रहे हैं कि आपका इसका जो लेग है वो बाहर की ओर है और 1 का जो लेग है वो अंदर की ओर है। यहाँ पे 2 जो कैलिपर आप देख रहे हैं ये इनसाइड कैलिपर है। बस अंतर दोनों में यही है कि पहला जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर कहिए, और दूसरा जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा पाइवोट पिन जॉइंट बोलिए, ये इनसाइड कैलिपर है, और जो आप लास्ट में देख पा रहे हैं ये हमारा है आउटसाइड कैलिपर, इसे हम स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर के नाम से जानते हैं। अब इसका उपयोग जो है हम बता देते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग जो है आपको जहाँ पे नैरो स्पेस हो या फिर अंदर का, मान लीजिए कि अंदर का हमको डायमीटर का माप लेना है, कोई सिलिंड्रिकल होल है, तो वहाँ पे हम जो है ये इनसाइड कैलिपर का उपयोग करके हम ले सकते हैं। लेकिन हम इसके माध्यम से डायरेक्ट जो है आप ये नहीं बता सकते हैं कि कितना इसका मेजरमेंट आया, तो इसीलिए हम इसे इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स के नाम से भी जानते हैं। इसका मेजरमेंट बताने के लिए हमको जो पहले आपको बताया स्टील रूल, उसकी सहारा लेना पड़ता है। जब तक आप उसका सहारा नहीं लेते हैं आप जो है मेजर नहीं कर पाएंगे। तो कैलिपर्स का जो उपयोग है वो इनडायरेक्ट जो है मेजरिंग लेने के लिए किया जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपको लेना है तो आपको वहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स स्टील रूल का, आप इससे डायरेक्ट मेजरिंग नहीं ले सकते हैं। अब जो है एक इसमें सबसे अहम जो कैलिपर होता है वो है हमारा जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं। वो कैलिपर का देखिएगा तो एक लेग जो है सीधा रहता है, दूसरा थोड़ा बेंट मुड़ा हुआ रहता है। इसे हम हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैलिपर का उपयोग जो है जेनी कैलिपर, जिसे आप हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर कहते हैं, इस कैलिपर का उपयोग जो है सिलिंड्रिकल कोई जॉब हो तो उसका हम सेंटर निकालने के लिए करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला जो है आप देख पा रहे हैं ये है हमारा वायर गेज, इसे हम वायर गेज कहते हैं। इसका जो है ये जो बना होता है वायर गेज आपका, ये स्टील का बना होता है और इसके जो है चारों तरफ ये राउंड रहते हैं, राउंड में ही जो है चारों तरफ जो है स्लोट्स, जिसे आप झिर्री कहते हैं हिंदी में, वो कटा रहता है। इसे हम स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से जानते हैं, SWG। इस पर हर एक जो है आपका स्लोट्स का मेजर किया हुआ है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि लास्ट 30 तक दिया हुआ है। तो ये जो हमारा तार होता है वो तार का क्या मतलब, उसका डायमीटर है, उसका जो डायमीटर कितना है, तो ये इसी से हम उसमें चेक करके बताते हैं। तो ये हमारा वायर गेज जो है ये मेजरिंग टूल्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बताया आपको, सबसे पहले मैं यहाँ से दिखा दूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि स्टील फुट रूल बताया, फिर स्टील मेजरिंग टेप के बारे में बताया, कैलिपर्स के बारे में बताया और वायर गेज के बारे में बताया। एक चीज़ मैंने कैलिपर में बताना भूल गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कैलिपर्स जो बने होते हैं ये हमारा माइल्ड स्टील से बना होता है, और कभी कभी जैसे कि आप जेनी कैलिपर में देखेंगे कि जो उसमें एक स्क्राइबर लगा होता है लाइन खींचने के लिए, वो स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। लेकिन अगर कभी कभी माइल्ड स्टील से बनाया जाता है तो उसके जो गेजिंग पॉइंट होते हैं
उसको हार्ड एंड टेम्पर कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला चैप्टर था ये आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि भाई दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।